नमस्ते बच्चों, कैसे हो? ठीक है ना? ओके। चैप्टर फर्स्ट हमने देखा था इकोनॉमिक्स का, 12th के इकोनॉमिक्स का, HSC इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट ख़त्म हो गया अपना। उसके अपन ने माइक्रो और मैक्रो दो पार्ट्स देखे थे। वी हैव सीन द टू पार्ट्स, द माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो एंड मैक्रो जो है, उस दोनों भी पार्ट में हमने ये एक चीज़ ऑब्जर्व की कि दोनों भी ब्रांचेस ऑफ स्टडीज़ है। एक एकदम स्मॉलेस्ट पार्ट को स्टडी करते हैं तो दूसरा लार्जेस्ट पार्ट को स्टडी करते हैं, है ना? तो माइक्रो एंड मैक्रो आर द टू पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, टू ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। नाउ उसका अपन डिफरेंस देख लेंगे और फिर इंटरेस्टिंग चैप्टर की तरफ जाएंगे। सेकेंड चैप्टर इज़ सो मच इंटरेस्टिंग, सेकेंड चैप्टर इज़ सो मच इंटरेस्टिंग। अब देखो, जैसे पहला चैप्टर जो है वो माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस अपन देख लेंगे, फिर यहाँ पे वो एंड हो जाता है। देखो, सबसे पहले है बेसिस ऑफ कंपैरिजन, फिर डेबिट में माइक्रो है और क्रेडिट में मैक्रो है। मीनिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ इकोनॉमी। माइक्रो जो है वो इकोनॉमी का सबसे बेस्ट स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्ट्स को स्टडी करता है, और मैक्रो जो है स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ द होल इकोनॉमी। यानी माइक्रो क्या करता है? इंडिविजुअल की स्टडी, और मैक्रो क्या करता है? एग्रीगेट की स्टडी। करेक्ट है ना? दोनों भी आपने समझ लिया अच्छे से। सेकेंड पॉइंट है उसका टूल, इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई। ये एक उसका टूल है, टूल मतलब हथियार, या टूल मतलब एक रिसोर्स, साधन उसका, है ना? तो क्या है उसका? इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई, अकेले की डिमांड, अकेले का सप्लाई। तो टोटल डिमांड, टोटल मतलब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो उसका टूल है। किसका? मैक्रो का। तो माइक्रो इंडिविजुअल, मैक्रो एग्रीगेट, है ना? तो स्कोप देखो उसका, डिमांड सप्लाई प्रोडक्ट प्राइजिंग फैक्टर प्राइजिंग कंजम्पशंस इकोनॉमिक्स वेलफेयर, ये इसका स्कोप है, हमने देखा था, है ना? तो लेकिन नेशनल इनकम का स्कोप क्या है? मुझे मैक्रो का स्कोप क्या है? नेशनल इनकम, है ना? बाद में प्राइस लेवल, है ना? नेशनल इनकम, फिर प्राइस लेवल, और जनरल एम्प्लॉयमेंट जो है, ठीक है, वो जो है वो इसका स्कोप है। इसका स्कोप फिर से देखो, डिमांड सप्लाई प्रोडक्ट प्राइसिंग फैक्टर प्राइसिंग। प्रोडक्ट प्राइसिंग मतलब किसी भी वस्तु की प्राइस, फैक्टर प्राइसिंग मतलब लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर की प्राइस। तो नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, एम्प्लॉयमेंट्स, मनी, ये जो है ये किसका स्कोप है? MSCRO का, मैक्रो का। तो देखो, मीनिंग टूल स्कोप, इम्पोर्टेंस देखो भी इसका, प्राइस डिटर्मिनेशन ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मॉडल बिल्डिंग बिजनेस डिसीजन, है ना? मॉडल बिल्डिंग मतलब एक हदा प्लानिंग करना, उसको मॉडल बिल्डिंग बोलेंगे अपन। बिजनेस डिसीजन मतलब बिजनेस का निर्णय, वेदर टू कंटिन्यू द बिजनेस और वेदर टू नॉट कंटिन्यू द बिजनेस। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन मतलब जो चेंजेस होता है, खास करके तेजी, तेजी मतलब बहुत बढ़ना, मंदी यानी कम होना। स्टडी ऑफ नेशनल इनकम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सब टॉपिक्स किसके आते हैं? मैक्रो के। तो माइक्रो का इम्पोर्टेंस क्या है? एक आधे वस्तु की प्राइस फिक्स करना। तो मैक्रो का क्या है? इकोनॉमी में जो फ्लक्चुएशंस है उसको स्टडी करना। प्राइस थ्योरी ये उसका मेन विषय है, किसका? MSCRO का। लेकिन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट्स थ्योरी, इनकम मतलब नेशनल इनकम, हाँ, कभी भी नेशनल इनकम पकड़ना, एक का चंगू मंगू का इनकम नहीं, तो पूरे देश का इनकम पकड़ना। एम्प्लॉयमेंट्स भी, सिर्फ यवतमाल में कितनी बेरोजगारी है, क्या है वो नहीं देखना, तो पूरे भारत में या तो विश्व में क्या एम्प्लॉयमेंट्स की परिस्थिति है वो देखना।
जैसे कोरोना के कारण एम्प्लॉयमेंट की समस्या निर्माण हो रही है, आईटी सेक्टर के जॉब कम हो रहे हैं, ऐसा वैसा, तो वो सब सोचना किसका विचार है? MACRO का। एग्जाम्पल्स, इसके एग्जाम्पल है इंडिविजुअल यानी अकेले की इनकम, इंडिविजुअल फर्म का आउटपुट है ना, इंडिविजुअल कमोडिटी की प्राइस, इंडिविजुअल फैक्टर की प्राइस है ना, इंडिविजुअल बिजनेस का परफॉर्मेंस। तो इधर के एग्जांपल्स क्या होते हैं? नेशनल इनकम, पूरे देश की, भारत माता की इनकम, नेशनल आउटपुट यानी पूरे देश का आउटपुट, उसके बाद में नेशनल एम्प्लॉयमेंट, पूरे देश के बेरोजगारी या रोजगार के ऊपर का देखना, नेशनल या जनरल बोलेंगे अपन, जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल मतलब पूरी पूरी बाजार की, मार्केट की परिस्थिति है ना, वो देखना। उसके बाद में पावर्टी, पावर्टी मतलब पूरी गरीबी देखना, भारत की पूरी पावर्टी। के बाद इन इक्वेलिटी इन इनकम यानी भारत में या किसी भी देश की असमानता देखना, असमानता मतलब इनकम में असमानता, कि किसी की इनकम बहुत ज़्यादा है, किसी की कम है। इन विषयों को स्टडी करना इज़ द मेन टॉपिक ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो। ठीक है, ये हो गया अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। अब यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है इकोनॉमिक्स का, जो रियल पार्ट है ऐसा समझ लो, वो अभी स्टार्ट होता है फ्रॉम सेकेंड चैप्टर, सेकेंड टॉपिक। अब देखो सेकेंड टॉपिक क्या है, सेकेंड टॉपिक है अपना, करेक्ट स्क्रीन पे आ गया तुम्हारे, यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी एनालिसिस, अब यूटिलिटी मतलब क्या? यूटिलिटी का एक शब्द में मतलब होता है वॉन्ट्स सेटिस्फाइंग पावर। क्या होता है? वॉन्ट्स सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी, एक खाद्य वस्तु में अपनी इच्छा पूरी करने की शक्ति रहती है, उसे बोलते हैं यूटिलिटी, और उसका एनालिसिस है ना। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। अब देखो इसमें, ये चैप्टर में क्या क्या है। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर का नाम क्या है, ध्यान में रहा? कंफर्टेबल है सब लोग? यूटिलिटी एनालिसिस, ये बेसिक चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है, फिर भी इतना इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आता है समझने में। इसमें बुक्स में लिखा है, नोटबुक में, टेक्स्ट बुक में, कि यू हैव बीन ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड टू द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी इन क्लास 11। 11वीं में हम लोग यूटिलिटी नाम के कंसेप्ट को थोड़ा समझ चुके हैं। दिस यूनिट गिव्स द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर। देखो मार्केट का किंग कौन है? कंज्यूमर, कंज्यूमर मतलब ग्राहक, जिसको अपन गिराइक गिराइक बोलते रहते हैं है ना, तो गिराइक या ग्राहक शुद्ध शब्दों में, उसका बिहेवियर एक्सप्लेन करते हैं 11 की क्लास की रेफरेंस से। इन प्रैक्टिस एवरी इंडिविजुअल ट्राइज टू सेटिस्फाई हिज वॉन्ट्स विथ अवेलेबल रिसोर्सेस। बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेटमेंट है वो। कौन सा ब्यूटीफुल स्टेटमेंट है? देखो हर एक इंडिविजुअल अपनी इच्छाओं को पूरी करते रहता है। इंडिविजुअल ट्राइज टू सेटिस्फाई हिज वॉन्ट्स, अपनी अपनी इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करते रहता है अवेलेबल रिसोर्सेस से। अवेलेबल रिसोर्सेस मतलब उसके पास जो पैसा है, उसके पास जो टाइम है, उसके पास जो एनर्जी है, टाइम एनर्जी मनी, इसके माध्यम से वो क्या करता है, जितनी भी इच्छा है वो पूरी करने की कोशिश करता है। मुझे बहुत अच्छी फोर व्हीलर लेने की इच्छा है, मुझे बहुत बड़ा बंगलो बनाने की इच्छा है, मुझे और तीन चार चीज़ें लेना है, एक आधा अच्छा फ़ोन लेना है, तो वो सारी इच्छा मेरी पूरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि आई डोंट हैव अनलिमिटेड रिसोर्सेस। रिसोर्स मतलब पैसा, टाइम, ये मेरे पास उतना नहीं है ना जितना होना है। मैंने उस दिन बताया था कि हमारी वॉन्ट्स बढ़ते रहती है, हमारी इच्छाएं बढ़ती रहती है, लेकिन हमारे रिसोर्सेज उतने नहीं बढ़ते है ना। पल भर में मुझे लगेगा कि मेरे पास अगर 12-13 लाख की गाड़ी है, तो 50 लाख की गाड़ी अभी भी मैंने इंटरनेट पे देखी तो वो लेने की इच्छा हो गई, तो क्या 5-10 मिनट में मेरे 50 लाख रिसोर्सेज बढ़ गए? हो ही नहीं सकता ऐसा। तो ये इच्छाएं बढ़ती रहती है, लेकिन हमारे रिसोर्स फिजिकली बढ़ते नहीं। कितनी बढ़िया स्टेटमेंट है। देखो इट इज़ ट्रू दैट ऑल ह्यूमन वॉन्ट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड फुल्ली एट अ स्पेसिफिक टाइम। ये बात सच है कि हमारी सारी इच्छाएं एक समय पे पूरी नहीं होती ना,
कैसे पूरी होगी? अभी भी मैंने बताया कि आई वॉन्ट ह्यूज बंगलो, आई वॉन्ट व्हीकल्स फोर व्हीलर विथ वैल्यू 50 लाख रुपीज़, आई वॉन्ट 1 लाख रुपीज़ मोबाइल। हाउ कैन आई कम्प्लीट एट अ स्पेसिफिक टाइम? बिकॉज इवन दो माई वॉन्ट्स बिकम डबल्ड, ट्रिबल्ड और इवन 4 टाइम्स, माई रिसोर्सेज अनेबल टू इंक्रीज इवन एट ए 2 टाइम्स ऑल्सो। यूटिलिटी एनालिसिस एक्सप्लेन कंज्यूमर बिहेवियर इन रिलेशन टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन। इसीलिए यूटिलिटी नाम का जो एनालिसिस है, यूटिलिटी नाम का जो चैप्टर है, वो कंज्यूमर बिहेवियर को समझने की कोशिश करता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल करने के लिए। फिर से एक बार इंट्रोडक्शन देखो। इंट्रोडक्शंस में दिया है कि हम 11 में थोड़ा सा यूटिलिटी के बारे में जान चुके हैं। यूटिलिटी अपने को ग्राहकों के स्वभाव के बारे में बताता है। यूटिलिटी एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर, और ये एक ब्यूटीफुल बात बताता है कि हमारी असीमित इच्छाएं सीमित साधनों से कैसे पूरी की जाए। इन अनलिमिटेड लिमिटेड रिसोर्सेज हाउ कैन वी कंप्लीट द अनलिमिटेड वॉन्ट्स। ये कन्फ्रंटेशन, ये डिस्कशन, ये मुकाबला, किसका मुकाबला? वॉन्ट्स और रिसोर्सेज का इसमें डिस्कस किया जाता है, और उसका बेसिस है यूटिलिटी। तो व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी इज अ वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। यूटिलिटी मतलब हमारी कमोडिटी की वो इच्छा जो उसमें होती है। अब देखो इस यूटिलिटी, यूटिलिटी जो 10 बार अपन बोल रहे हैं, उस यूटिलिटी के फीचर्स क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। फीचर मतलब क्या? खासियत। फीचर मतलब क्या? विशेषता, है ना। अब यूटिलिटी की विशेषता क्या है? तो यूटिलिटी की स्पेशलिटी, विशेषता या फीचर्स या पेक्यूलैरिटीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स या रिमार्केबल फीचर्स ये है कि ये रिलेटिव कंसेप्ट है। यूटिलिटी क्या है? रिलेटिव कंसेप्ट है। अब तुम बोलेंगे रिलेटिव मतलब चाचा, मामा, अंकल, हमारे बहुत सारे रिश्तेदार हैं, उससे क्या संबंध है उसका? तो रिलेटिव मतलब वैसा रिलेटिव नहीं है। रिलेटिव मतलब रिश्तेदार वाला रिलेटिव नहीं है। तो रिलेटिव मतलब 3 चीज़ों से संबंधित, है ना। कौन सी 3 चीज़ों से संबंधित? यहाँ पे 2 ही चीज़ दिया है, टाइम और प्लेस। और मैं 3 चीज़ें जो अज्यूम कर रहा हूँ, पर्सन, टाइम, प्लेस। जो कंसेप्ट पर्सन टू पर्सन बदलती है, देखो कितना इंटरेस्टिंग है, जो कंसेप्ट टाइम टू टाइम बदलती है, जो प्लेस टू प्लेस बदलती है, उसको यूटिलिटी बोलते हैं, और इसको रिलेटिव बोलते हैं, और यूटिलिटी रिलेटिव कंसेप्ट है। देखो लाइन टू लाइन, यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। वेरीज, इट वेरीज मतलब चेंज होना। कैसे चेंज होता है? टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस। अब जैसे टाइम टू टाइम चेंज होता है मतलब क्या है? देखो अभी जैसे मास जो अपन लगाते हैं उसकी यूटिलिटी कितनी है? कितनी है? बहुत है। कहीं 500 रुपये फाइन लगाते, कहीं 200 लगाते, कोई 1000 लगाते, कितना कितना है इम्पोर्टेंट। अब यही 6 महीने पहले था क्या? नहीं, दिसंबर के पहले बिल्कुल नहीं था। अपने यहाँ पे तो मार्च में आया, ठीक है, पर चाइना वगैरह की भी बात करेंगे अपन, तो दिसंबर के पहले मास्क वगैरह को कहीं दुनिया में इतना इम्पोर्टेंस नहीं था। अभी देखो ना, 100% मास्क की ज़रूरत है। यानी क्या हो गया? टाइम टू टाइम उसका इम्पोर्टेंस बढ़ गया, बदल गया। हो सकता है कि 2-4 महीने में कोरोना पूरा ख़त्म हो जाए, ऐसा अपन उम्मीद करेंगे, है ना, ऊपर वालों से प्रे भी करेंगे। पूरा ख़त्म हो गया, शायद मास्क की ज़रूरत नहीं रहेंगी तब, और कोई दूसरा भी डिसीज़ नहीं है, सब अच्छे से वातावरण में रह रहे हैं, हम पहले जैसे रहते थे वैसे, तो मास्क की आवश्यकता फिर से नहीं पड़ेगी। सेम इज़ हैपन विद द सैनिटाइज़र। 6 मंथ्स बिफोर द सैनिटाइजर्स हैविंग द नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू, नो वैल्यू नहीं बोला मैंने, नॉर्मल वैल्यू थी, जितने में वो मिलता था उतने में मिलता था। बट नाउ टूडे सैनिटाइजर्स बिकम द इम्पॉर्टेंट मैनी टाइम्स या इन मैनी शॉप्स, इट गोज़ आउट ऑफ द स्टॉक ऑल्सो, है ना, स्टॉक के बाहर चले गए वो। इसमें 2 एग्जाम्पल दिए, देखो मस्त दिए। वुलन क्लॉथ हैव ग्रेटर यूटिलिटी इन अ विंटर, स्वेटर, जर्किन्स, गर्म कपड़े, इसको विंटर में बहुत यूटिलिटी रहती है ना।
अब देखो जैसे ही एक मान लो दिसंबर, नवंबर, जनवरी, ऐसा एक फिक्स तो नहीं है पर आगे पीछे हो जाता है। विंटर के समय में स्वेटर्स को, जर्किन को कितना इम्पोर्टेंस है, हैंड ग्लोव्स है ना, वो कोई ऐसा सिर को बिनने वाले, एक आधी कैप रहती है ठंडी से बचने के लिए। तो ठंडी में, सर्दी में, विंटर में वुलन क्लॉथ जो स्वेटर्स वगैरह होते हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। आज मई महीना शुरू है ना, आज मैं क्लास ले रहा हूँ जिस समय वो मई महीना शुरू है, वहाँ पे किसी को इम्पोर्टेंस है उसका? कम से कम यवतमाल में तो नहीं है। हमारा पुराना स्वेटर कहाँ रख दिया, हमने देखा भी नहीं होगा, किस कंडीशन में होगा किसी को याद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्या हो गया है, टाइम बदल गया है। उस समय स्वेटर को कितना इम्पोर्टेंस था, रोज़ हम संभाल के रखते थे, रोज़ हम देखते थे, साफ़ सुथरा रखते थे उसको, आज कहाँ गया? सेम हैपन्स इन द केस ऑफ अम्ब्रेला, रेनकोट है ना, रेनकोट, छतरी, छाता, अम्ब्रेला, इसको कितना इम्पोर्टेंस था बारिश के दिनों में। अभी बारिश का सीज़न नहीं है, हाँ एक आधे बार आ जाती है, वेदर वालों ने बताया कि आजकल में आने वाली बारिश, वो छोड़ो, बेमौसम बारिश छोड़ो, पर जो रेगुलर वाली बारिश है उसमें कितना इम्पोर्टेंस है ना। हम तो गाड़ी में वो कैरी भी करते हैं, क्या बोलते हैं, रेनकोट वगैरह उन दिनों में, पर अभी किसी को पता है अपना रेनकोट कहाँ अच्छे से रखा है? किसी ने ठीक रखा होगा, पर एक नॉर्मल बिहेवियर देखो कि हमें उसकी याद भी नहीं आती है ना। वो एक पोपट लाल यूज़ करता है छतरी छाता, वो कौन से सीरियल में, तारक मेहता में, उतना ही वो बेचारा दिन भर हाथ में रखता है, समर रहो, विंटर रहो, रेनी सीजन रहो, नहीं रहो, पर वो ठीक है, वो तो एक सीरियल है, वो कहानी किस्सा है, पर नॉर्मल लाइफ में अभी कोई अम्ब्रेला लेके नहीं घूमता। दूसरा एग्जांपल दिया है सैंड, है ना, रेत जो रहती है, रेती, हैज़ ग्रेटर यूटिलिटी एट अ कंस्ट्रक्शन साइट देन एट सी शोर। सी शोर मतलब समुंदर के किनारे में रेत जो पड़ी है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं वहाँ पे। एक आधे बार घूमने फिरने जाए समुंदर के किनारे तो पैरों को रेती ही रेती लगती है, पूरा रेत लगता है उसको, कोई इम्पोर्टेंस नहीं वहाँ पे, है ना, कोई उसको महत्व नहीं देता। पर वही अगर कंस्ट्रक्शन साइट पर लेके आए तो हजारों रुपए वैल्यू है ना, कभी कभी तो 15-15, 20-20 हज़ार रुपये ट्रक रेती की कीमत हो जाती है कभी कभी, वो डिपेंड करता है, नॉर्मली 10 हज़ार, 12 हज़ार, 15 हज़ार कुछ भी कीमत रह सकती है, मुझे हजारों में कीमत रहती है ना, ट्रक के हिसाब से बात की अपन ने तो। और वही रेती समुंदर के किनारे पड़ी है तो यूज़लेस रहती है, यानी क्या हो गया, प्लेस। और भी प्लेस के एग्जांपल, एक आधे छोटे से गांव में बहुत ये जो बेर वगैरह रहते हैं वो निकलते हैं, तो वहाँ बेर वगैरह को बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, बेर हो गया, एक आधा आंवला हो गया, या एक आधे खाने पीने की छोटी छोटी चीज़ें हो गई, तो बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू वहाँ पे नहीं है। पर वही वहाँ से तोड़ कर लाए, उसको अच्छे से सिटी के भीड़ भाड़ वाले इलाके में भेजे, तो इट रिसीव द 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स इवन मोर प्राइस, यानी हो गया ना वो जगह चेंज करके, वहाँ उसकी कुछ यूटिलिटी नहीं है ना। तो ऐसे रहता है, एक आधे की खेती में कोई आम है, कोई चीज़ें है, तो वहाँ वो इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। जैसे मेरे पहचान के एक दो जन है तो उनकी सब्जी वगैरह वहाँ पे उनके खेती में आते हैं, तो सब्जी उनको कोई इम्पोर्टेंस नहीं लगता, वो तो ऐसे ही बांट देते हर बार कि जा लेके जा, बोलते टोमेटो है हमारे खेती में और क्या क्या है, छोटी मोटी चीज़ें वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही दे देते, यानी वहाँ पे उनको कोई वैल्यू ही नहीं है, बहुत प्रोफेशनल नहीं है वो इसीलिए। पर वही चीज़ें वहाँ से सब्जी तोड़ के यवतमाल की सिटी में लाए, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर लाए और यहाँ बेचने बैठे, तो किलोग्राम्स के हिसाब से उसके भाव मिलेंगे, है ना। तो ऐसे काफ़ी सारे एग्जांपल है, मेरी खेती में कॉटन निकलता है तो वहाँ जाने के बाद कॉटन एक आधा 1 किलो 2 किलो कोई लेके जाता, बोले तो कोई इम्पोर्टेंस नहीं उसका, है ना, लेके जाए ऐसे। पर जब वो शहर तक लाते हैं, मार्केट तक लाते हैं, APMC बोलते हैं उसको, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी, वहाँ तक लाते हैं, तो जगह चेंज होने की वजह से उसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं रिलेटिव कॉन्सेप्ट। तो रिलेटिव में दो शब्द कौन से हो गए, टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस। अब सेकंड देखो, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। यूटिलिटी क्या है, सब्जेक्टिव है, कितना इंटरेस्टिंग है देखो। सब्जेक्टिव मतलब साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल मतलब हमारे मानने पे है, हमारे मानने पे मतलब समझने पे है।
अब देखो ना, एखादी चीज एखादी को बहुत अच्छी लगती है तो दूसरे को उसको अच्छा नहीं लगता, है ना। वेज नॉन वेज में बहुत अच्छे से अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सम पीपल लाइक नॉन वेज, पर कुछ लोगों को नॉन वेज का कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, नॉन वेज ठीक भी नहीं लगता उन, वो उसे दूर रहते हैं। तो ये सब्जेक्टिव कंसेप्ट है ना, सब्जेक्टिव मतलब साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है ना। बहुत स्वीट अच्छा लगता है किसी किसी को, और मुझे खुद को पर्सनली स्वीट अच्छा नहीं लगता, मुझे थोड़ा सा नमकीन अच्छा लगता है। किसी को तेज पसंद है, किसी को खट्टा पसंद है, किसी को और कुछ टेस्ट जो रहती है वो पसंद है। पर्सन टू पर्सन वो डिफरेंस होता है। इट इज़ अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एक्स की अलग, वाई की अलग, जेड की अलग। दिस इज ड्यू टू डिफरेंसेस इन टेस्ट। टेस्ट मतलब पसंद। सबकी पसंद अलग है। किसी को मैंगो का जूस बहुत ही पसंद है तो कोई मैंगो का जूस नहीं ज़्यादा कंज्यूम करता, ऐसे ही खरे बार लिया इसलिए लिया। प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंसेस मतलब हमारा महत्व देना उस चीज़ को। कोई बहुत ही महत्व देता तो कोई महत्व ही नहीं देता। लाइक्स एंड डिसलाइक्स, पसंद और नापसंद। नेचर, हैबिट, प्रोफेशन। फॉर एग्जाम्पल, स्टेथोस्कोप हैज़ यूटिलिटी टू अ डॉक्टर बट नॉट टू लेमन, है ना। डॉक्टर को स्टेथोस्कोप की बहुत यूटिलिटी है, उसके गले में वो घंटे जैसे टंगी रहती है। लेकिन वही लेमन को, लेमन मतलब हु डज नॉट नो द यूटिलिटी ऑफ स्टेथोस्कोप या यूज़ ऑफ स्टेथोस्कोप। अब अपन, मैं ही लेमन हूँ, है ना, लेमन हूँ, यानी स्टेथोस्कोप का इम्पोर्टेंस मुझे नहीं पता, रीडिंग मुझे करनी नहीं आता, मैं कान में डाल के करूँगा क्या उसको। या इवन बीपी की मशीन भी मेरे हाथ में दे दिया तो उसकी यूटिलिटी क्या होगी, जीरो हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर के हाथ में ज़्यादा यूटिलिटी वाला है। अपन वर्ड कौन सा यूज़ करें, यूटिलिटी। तो यूटिलिटी पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। सिमिलरली कॉमर्स की क्या की थी, किताबें मेरे को दे दो तो मैं अच्छे से उसको समझ लूँगा, समझा भी सकूँगा। पर वही एक आधे साइंस के टीचर के हाथ में दे दो, वो बोलेगा ये क्या है, सब्जेक्टिव नहीं समझेगा उसको और साइकोलॉजिकल नहीं समझेगा उसको, ये क्या, इसके पहले अपन ने देखा है रिलेटिव, वो रिलेटिव मतलब क्या बोलेंगे, मेरा चाचा मामा रिलेटिव है और मैंने आपको रिलेटिव क्या बताया, टाइम टू टाइम चेंज होना, प्लेस टू प्लेस चेंज होना। क्यों? क्योंकि यूटिलिटी सबकी अलग है। हम बहुत होशियार हैं, वो बहुत होशियार नहीं है, ऐसा कोई नहीं रहता। ये डॉक्टर बहुत होशियार है ना, हम ऐसे ही छे, ऐसे भी नहीं रहता। पर्सन टू पर्सन डिफरेंट रहता है। फिर से देखो, सब्जेक्टिव शब्द का मतलब क्या होता है, सब्जेक्टिव मतलब पर्सन टू पर्सन डिफरेंट रहना, साइकोलॉजिकली डिफरेंस रहना, है ना। मुझे थोड़े क्लासिकल म्यूज़िक बहुत अच्छे लगते हैं तो मेरे बच्चे ही खुद क्लासिकल म्यूज़िक को बोरिंग करके चिढ़ाते हैं, है ना। उन्हें पॉप सॉन्ग या मॉडर्न जो सॉन्ग रहता है ना, आड़े टेढ़े सॉन्ग, वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। दिन भर वही लगाते हैं, कभी गाड़ी में भी बैठे तो वही लगाते हैं, तो मुझे वो बहुत बहुत अच्छे नहीं लगते। इसका मतलब है हम दोनों बहुत ही अलग है, ये ऐसा नहीं, ये साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। किसी को ब्रेक डांस अच्छा लगेगा तो किसी को क्लासिकल डांस अच्छा लगेगा, किसी को क्या था कथक कुचिपुड़ी अच्छा लगेगा, ये सब ह्यूमंस के साइकोलॉजिकल इफेक्ट है ना। मैं खुद पर बोल रहा हूँ ना कि मुझे स्वीट बिल्कुल पसंद नहीं है, पर मेरे घर में बाकी लोग स्वीट बहुत पसंद करेंगे, है ना। एक आधे को वेज पसंद है तो एक आधे को नॉन वेज पसंद है, एक आधे को एक आधी चीज़ की एलर्जी भी रहती है। तो ये सब पर्सन टू पर्सन है। नेक्स्ट है एथिकली नेचुरल कंसेप्ट, न्यूट्रल है, सॉरी, आई एम सॉरी, न्यूट्रल, एथिकली न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब क्या, हाँ, न्यूट्रल मतलब किसी भी साइड से सोचना नहीं, बैलेंस रहना। जैसे गाड़ी न्यूट्रल है मतलब क्या, टॉप में भी नहीं है, बॉटम गियर में भी नहीं है। तो न्यूट्रल मतलब क्या है, बैलेंस माइंड से सोचना, किसी एक तरफ झुकाव नहीं रहना। तो यूटिलिटी है ना, सही में न्यूट्रल कंसेप्ट है। कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी हैज़ नो एथिकल कंसिडरेशन। एथिकल मतलब कोई नैतिकता नहीं है इसमें। मॉरली कलरलेस कंसेप्ट, कलरलेस है, कलरलेस मतलब किसी एक तरफ झुकाव नहीं है। कमोडिटी शुड सेटिस्फाई एनी वॉन्ट ऑफ पर्सन विदाउट कंसिडरेशन ऑफ वॉट इज गुड और वट इज़ बैड, डिज़ायरेबल अनडिज़ायरेबल। जैसे एक बहुत मस्त एग्जाम्पल दिया है, नाइफ
हैज़ यूटिलिटी टू कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एज वेल एज इट कैन बी यूज टू हार्म समवन। नाइफ जो है, चाकू, छुरी, वो फल सब्जियाँ काटने के लिए बहुत बेटर है ना, मस्त जैसे होना वैसे अपन काट सकते, कट कर सकते उसको, लेकिन वो किसी को हार्म करने के लिए भी यूज़ कर सकते। अब देखो ना, एक आधे किचन में हाउस वाइफ उसका क्या करती है, आलू, टोमेटो, पोटैटो उसके स्लाइस करती है, टुकड़े करती है, कट करती है उसको वेजिटेबल से, लेकिन एक आधा गुंडा मवाली जो है ना, वो उसको हार्म करता है, उससे किसी के पेट में स्टैप करना है ना, ये भी कर सकता है। बोथ वॉन्ट्स आर ऑफ डिफरेंट नेचर बट सेटिस्फाई बाय द सेम कमोडिटी, दस यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल, यानी एथिकली न्यूट्रल है, किसी भी एंगल से देखेंगे तो वो अच्छी है कि बुरी है वो नहीं सोचता है ना। चाकू का यूज़ तुमने देख लिया, या हथियार भी, कभी कभी सोल्जर हथियार अपनी देश की सुरक्षा के लिए करते हैं, तो वही टेररिस्ट देश को तबाह करने के लिए करते हैं। देखो ना, एक आधे बम होगा, एक आधे कौन सी AK-47 होगी, और कौन से तुम्हारे हथियार रहते हैं ना, तो एक आधी चीज़ सोल्जर जो है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वाले उसका कितना अच्छा यूज़ कर रहे हैं, उसका सम्मान कर रहे हैं लोग, है ना, लोग सैल्यूट करते हैं आजकल, या पुलिस भी कभी कभी उन हथियारों का बहुत अच्छा उपयोग करती है। पर वही हथियार अगर टेररिस्ट के हाथ में लग गए तो टेररिस्ट क्या करता है, उसको उस देश को तबाह करने के लिए यूज़ करता है। तो हथियार क्या है, कलरलेस है, जैसा इस्तेमाल करना है वैसा करो, पैसा जैसे कलरलेस है ना। आप पैसे से हेल्थ खरीद सकते हो, आप पैसे से विद्या खरीद सकते हो, मतलब नॉलेज खरीद सकते हो, आप पैसे से अच्छी संस्कार भी खरीद सकते हो, और आप पैसे से दारू, लीकर, एक आधी क्या बोलते हैं उसको, ख़राब चीज़ें भी, या गैम्बलिंग, जुआ खेलना, ये सारी चीज़ें भी खरीद सकते, यानी पैसे के दोनों भी उपयोग है। पर पैसा बोलता क्या, मेरे ये यूज़ करो, मेरा वो यूज़ मत करो, या उसका कलर बदल जाएगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, कुछ नहीं, वो कलरलेस है, वो बोलता मैं पैसा हूँ, तू तेरे दिमाग के हिसाब से यूज़ कर। न्यूट्रल है, सेल्फ गाइडिंग नहीं है। और क्या है, देखो चौथा बहुत इंटरेस्टिंग है, यूटिलिटी जो कंसेप्ट है वो यूजफुलनेस से डिफरेंट है, डिफर मतलब अलग है, यूटिलिटी डिफर्स अलग फ्रॉम यूजफुलनेस। यूटिलिटी इज़ द कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी सेटिस्फाई ह्यूमन वॉन्ट्स, वेयर एज यूजफुलनेस इंडिकेट वैल्यू इन यूज ऑफ द कमोडिटी। एग्जाम्पल, मिल्क हैज़ बोथ यूटिलिटी एज वेल एज यूजफुलनेस, वाइल लीकर हैज़ यूटिलिटी ओनली टू द एडिक्ट, यानी जिसको आदत है वो, बट हैज़ नो यूजफुलनेस, यानी यूटिलिटी है पर यूजफुलनेस नहीं है। मिल्क में यूटिलिटी है ना, और यूजफुलनेस भी है, यूटिलिटी है मतलब उसकी वैल्यू इन यूज़ भी है, और यूजफुलनेस है मतलब क्या है कि उससे अच्छे इफेक्ट्स भी मिलते हैं, शक्तिमान बनता है। लेकिन दारू में तो ऐसा नहीं है, दारू में क्या है, यूटिलिटी तो है, यूटिलिटी क्यों, क्योंकि उसको आदत है, उसके ब्लड को उसकी आदत हो चुकी है, और पता है उस क्या बोलते हैं एडिक्टेड व्यक्ति को उस समय दारू दिया तो वो सेटिस्फाई हो जाता है, ही बिकम द सेटिस्फाई, इसीलिए उसमें क्या है, यूटिलिटी है, यूटिलिटी है, लेकिन यूजफुलनेस नहीं है। यूजफुलनेस क्यों नहीं है, बिकॉज इट डैमेज योर लीवर, तुम्हारा लीवर पे डैमेज करता है, और दूसरी बात तुम्हारी इकोनॉमी डिस्टर्ब करता है, वो तुम्हारे परिवार को उसका नुकसान हो सकता है ना, क्योंकि वो पैसे से आप अनाज खरीद सकते थे, अच्छा ठीक है आपके घर में अनाज बहुत है, पर आप उससे हेल्थ खरीद सकते थे, ठीक है हेल्दी भी पर्सन है, आप उससे नॉलेज परचेस कर सकते थे, कुछ ना कुछ उसका अच्छा उपयोग कर सकते थे। लीकर से यूटिलिटी है पर यूजफुलनेस नहीं है। फिर से देखो, यूटिलिटी है मतलब क्या है, वो व्यक्ति सेटिस्फाई हो रहा है उस समय, दारू पीने के बाद वो शांत हो जाता है ना, लेकिन उससे यूजफुलनेस नहीं बन रहा, उसका उपयोग कुछ नहीं हो रहा। आप देखो ना, किसको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा हुआ, नहीं हुआ। पर दूध का ऐसा नहीं, यूटिलिटी भी है, यूजफुलनेस भी है। या एक हरी चीज़ है, जैसे एक मेरे पहचान वालों ने गाड़ी लिया, टू व्हीलर लिया, यूटिलिटी बहुत है उसमें, इधर जाता उधर जाता, पर यूजफुलनेस नहीं है, वो स्टार्टिंग ट्रबल निकला उसमें,
थोड़े से मैकेनिज्म में प्रॉब्लम निकली, हमेशा वो शोरूम में लेके जाना पड़ता, तो ऐसा यूज़फुलनेस नहीं हो रहा उसको। यूटिलिटी है लेकिन यूज़फुलनेस नहीं है। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। मैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, प्लेजर मतलब खुशियाँ। कभी कभी एक चीज़ से यूटिलिटी बहुत मिलती है लेकिन उससे खुशियाँ नहीं मिलती। मेडिसिंस, टैबलेट्स वगैरह रहती है ना, दवाइयाँ सीधा सीधा, तो मेडिसिंस जो है, ड्रग्स जिसको बोलेंगे अपन, उसमें यूटिलिटी बहुत है ना। बीपी कंट्रोल करता है जिसको बीपी की शिकायत है, शुगर बराबर रखता है, इंसुलिन ये करता है, उसके बाद में जो बीमारी है, अपन किस बीमारी की बात कर रहे हैं उस बीमारी पे बहुत अच्छा इफेक्टिव है वो, अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट है तो। पर प्लेजर नहीं मिलता उससे। प्लेजर मतलब खुशियाँ, कहाँ खुशियाँ मिलती है। मज़ा आता क्या दवाई पीने में, खाने में, है ना। वो बोलता है क्या और एक दे और एक दे, तो यूटिलिटी बहुत है उससे। बीपी कंट्रोल में रहता है या जो भी कुछ चीज़ें हैं वो तुम्हारी ठीक हो जाती है, लेकिन उससे मज़ा नहीं आता, खुशियाँ नहीं मिलती। आप पढ़ो उसमें क्या दिया है, कमोडिटी में पजेस यूटिलिटी बट इट मे नॉट गिव अ प्लेजर टू कंज्यूमर। कभी कभी उसमें यूटिलिटी रहती है पर खुशियाँ नहीं मिलती। बेस्ट एग्जाम्पल अपनी पढ़ाई। पढ़ाई में आपको बहुत खुशी मिलती क्या, कि बहुत नाच रहे हैं लेक्चर करते करते, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, और आधा घंटा पढ़ा और आधा घंटा पढ़ा, होता क्या। यहाँ पे आते हो तो छुट्टी घड़ी देखते रहते हो, है ना, कब 10 बजते, कब 11 बजते, कब सर छोड़ देते, यानी ऐसे ही करते रहते ना। पर पढ़ाई में यूटिलिटी तो बहुत है पर खुशियाँ नहीं मिलती। यूटिलिटी क्या है कि देखो, आप जैसे पढ़ रहे हो वैसे 98% बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना। अपने भी इसमें देखो व्यूअर्स कितने, आप देखो यूट्यूब पे, आप भी देख सकते हो सब्सक्राइबर, आपके क्लास में कितने बच्चे और सब्सक्राइबर बढ़ते ही जा रहे हैं। ओके, उसके बाद में व्यूअर्स भी देखो, पहले लेक्चर को तो 400-500 व्यूज़ आ गए, कमेंट्स भी आते हैं, फ़ोन भी करते हैं बच्चे, यानी यूटिलिटी बहुत है। पर कोई ऐसा फ़ोन नहीं करता कि सर हम बहुत झूम रहे हैं उस पर, बहुत नाच रहे हैं, बहुत ही मज़ा ले रहे हैं, या बहुत ही प्लेजर आ रहा है ना, लेक्चर करते करते हम डांस भी कर रहे हैं। मतलब यूटिलिटी है, खुशियाँ नहीं है। इसमें तो बेस्ट एग्जांपल दिया है इंजेक्शन। इंजेक्शंस में कितनी यूटिलिटी है पता है, हज़ारों रुपए का इंजेक्शन रहता है कुछ कुछ चीज़ों पे। इंजेक्शंस फॉर अ पेशेंट हैज़ यूटिलिटी क्योंकि इट क्योर्स, यानी ठीक करता है एलिमेंट, बट इट हार्डली गिव्स द एन्जॉयमेंट्स और प्लेजर टू हिम, है ना। इंजेक्शन से कितनी यूटिलिटी हो जाती, कितना साइलेंट हो जाता है, कितना कूल हो जाता है। मैंने तो देखा पेशेंट इतना तड़प रहा था, कुछ हो रहा था, लेकिन उसको इंजेक्शन दे दिया तो 2-3 मिनट में रिलैक्स हो गया वो। कितनी यूटिलिटी उस इंजेक्शन की, है ना। हार्ट पेशेंट था, बहुत तकलीफ़ हो रही थी, है ना, बीपी शूट हो गया था, तो बेड पे ही बिस्तर में झटके मार रहा था, उसको डॉक्टर ने इंजेक्शन दे दिया पर्टिकुलर, एकदम रिलैक्स हो गया, 4-5 घंटे से वो रिलैक्स ही है। यानी यूटिलिटी कितनी इंजेक्शन में, पर उसको मज़ा आता क्या कि वो डॉक्टर साहब और एक लगा दो इंजेक्शन, और एक लगा दो, बहुत मज़ा आ रहा है उसमें, बहुत बॉडी में गुदगुली हो रही है। तो ऐसा नहीं होता है। प्लीज़ कीप इन माइंड, यूटिलिटी और प्लेजर डिफरेंट होता है। यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन से भी डिफरेंट होती है। बस होते आ रहा है अपना, 8 ही पॉइंट है अभी, 2 ही पॉइंट बाकी है। यूटिलिटी क्या है, सेटिस्फेक्शन से अलग है। सेटिस्फेक्शन मतलब समाधान। यूटिलिटी इज अ कॉज ऑफ कंजम्पशन, सेटिस्फेक्शन इज अ एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन। यूटिलिटी मतलब उपयोग और सेटिस्फेक्शन मतलब समाधान। कभी कभी उसका उपयोग तो बहुत होता है पर सेटिस्फेक्शन नहीं होता। दे आर इंटर रिलेटेड बट स्टिल डिफरेंट कंसेप्ट। जैसे देखो, थर्स्टी पर्सन, यानी जिसको प्यास लगी है वो पर्सन, ड्रिंक्स अ ग्लास ऑफ वाटर सिंस वाटर हैज़ कैपेसिटी टू सेटिस्फाई थर्स्ट। यूटिलिटी ऑफ अ वाटर इज कॉज ऑफ कंजम्पशन एंड सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड इज द रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन। इसका मतलब क्या होता है कि एक हदे पैसे को बहुत प्यास लग गई है ना, तो जो ग्लास ऑफ वाटर है उसमें उसकी
एक पैस बुझ गई है तो उसमें यूटिलिटी है, लेकिन सेटिस्फेक्शंस नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि उसकी उसको पूरा पानी नहीं मिला या उसकी पूरी जो पैस है वो नहीं बुझी होंगी। यहाँ पर दूसरा एग्जांपल लेंगे कि एक आधी गाड़ी लिया तो सेटिस्फेक्शन है, वो यहाँ से वहाँ जा रहा है टू व्हीलर से, है ना, वो चला रहा है, पर सेटिस्फेक्शन नहीं है उसको। इसका कारण ये है कि वो गाड़ी में स्टार्टिंग प्रॉब्लम है या जो सोच के उसने वो गाड़ी लिया है ना, वो उससे वो कंप्लीट नहीं हो रही है। जैसे एक व्यक्ति ने एक मोबाइल लिया है ना, तो यूज़ तो कर रहा है, वो कॉलिंग कर रहा है, इनकमिंग हो रहा है, आउटगोइंग हो रहा है, व्हाट्सएप की भी मैसेज वैसेज चैटिंग वैटिंग मस्त कर रहा है वो, पर उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। क्यों? कि उसने जो मेगापिक्सल का कैमरा सोचा था या उसने जो इफ़ेक्ट सोचे थे वो इफ़ेक्ट उस कैमरे में नहीं आ रहे, या बीच में हैंग हो रहा है, या उसकी मेमोरी बराबर साथ नहीं दे रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। तो हो सकता है ऐसा कि यूटिलिटी तो है पर सेटिस्फेक्शन नहीं है, उसे मज़ा नहीं आ रहा, समाधान नहीं हो रहा है ना। कभी कभी हम एक आधी चीज़ करते हैं तो यूटिलिटी है लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। 7 नंबर, आप देखो स्क्रीन की तरफ भी ध्यान दो, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल है ना। यूटिलिटी इज एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। यूटिलिटी एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है। कार्डिनल और न्यूमरिकल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल। हाइपोथेटिकल मतलब डिपेंड अपॉन अजम्पशन, कुछ अजम्पशंस पे डिपेंड है। कुछ अजम्पशंस मतलब क्या है कि कुछ बातें हैं उस पे वो डिपेंड करता है। और मेन बात तो पहले लाइन में कितना अच्छे से बताया उसने कि जो यूटिलिटी है वो नंबर में गिन नहीं सकते अपन। नंबर में मतलब 1, 2, 3, 4 नंबर में। जैसे पानी पीने के बाद मुझे 12 सेटिस्फेक्शन मिला कि 15 कि 20, ये नहीं बता सकते। तुम्हारे हाथ की चाय पीने के बाद मुझे 5 सेटिस्फेक्शन मिला कि 7 मिला या 10 मिला, ये अपन नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। कभी बोलता है कि ऐसे चाय पीने का, वाह 10 चाय अच्छा बना, 12 नंबर मिल गए मेरे को, 15 नंबर मिल गया, ऐसा नहीं होता। बिकॉज यूटिलिटी इज नॉट न्यूमरिकल मेजरमेंट कंसेप्ट। थर्स्टी पर्सन आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर में डिराइव हाइयर और लोअर लेवल यूटिलिटी है ना। प्यासा आदमी पानी पीने के बाद कभी कभी बहुत अच्छा लगता है उसको, कभी कभी अच्छा नहीं लगता है ना। अब वो पानी पे भी डिपेंड रहता है, हम एक आधी बार पानी पी ले तो कभी कभी बहुत अच्छे से प्यास बुझ जाती है, तो कभी हमको टेस्ट नहीं अच्छी लगती पानी की, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं। दस यूटिलिटी कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड एंड फाउंड आइदर पॉजिटिव, जीरो और निगेटिव। निगेटिव यूटिलिटी इज कॉल्ड डिस यूटिलिटी। हाँ पर यूटिलिटी है ना पॉजिटिव हो सकती है। पॉजिटिव मतलब मैं बोल सकता हूँ ये खाने से मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया मतलब क्या, पॉजिटिव। जीरो भी हो सकती है, जीरो मतलब कभी कभी यूटिलिटी जो है वो बिल्कुल ही उससे मिल नहीं रही है, बिल्कुल नहीं मिल रही, कुछ मज़ा नहीं आ रहा, वो चीज़ खा के तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है फालतू खाया, जीरो यूटिलिटी। निगेटिव मतलब क्या है कि उससे डिस यूटिलिटी मिल रही है, ओमिटिंग हो रही है, खाने के बाद वो बाहर निकल रहा है, उसे फूड पॉइजनिंग हो रहा है, यानी बैड इफेक्ट आ रहा है। तो बहुत मज़ा आ रहा है तो पॉजिटिव, स्टेबल हो, न्यूट्रल हो तो ज़ीरो, और अफेक्ट हो गया उसे, फूड पॉइजनिंग वगैरह हो गया, ओमिटिंग हो गई तो निगेटिव। तो ये यूटिलिटी हाइपोथेटिकल है। हाँ हम इतना ज़रूर बोल सकते हैं कि बहुत यूटिलिटी मिली है, बहुत मज़ा आया, बहुत बेकार था, सो सो था, हाँ ऐसे ही था, ऐसे अपन प्रोनाउंसिएशन कमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन हम यूटिलिटी को नंबर नहीं दे सकते कि उसके घर में चाय पी तो 15 यूटिलिटी थी और इसके घर में चाय पी तो 12 यूटिलिटी है और मेरे घर में चाय पिया तो 25 यूटिलिटी थी, ऐसा अपन नहीं कह सकते क्योंकि यूटिलिटी नंबर में कैद नहीं कर सकते, सब हाइपोथेटिकल है। वो यूटिलिटी मल्टीपर्पज़ है ना। यूटिलिटी क्या है? मल्टीपर्पज़ है। मल्टीपर्पज़ है मतलब बहुउद्देशीय है, एक ही चीज़ के उपयोग बहुत कर सकते हैं। अब पानी,
पानी इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है, किचन में भी यूज़ होता है, बाथरूम में भी यूज़ होता है, पीने के लिए भी यूज़ होता है। तो पानी के मल्टीपर्पज़ यूटिलिटी हैं। ए कमोडिटी कैन सेटिस्फाई द ह्यूमन वॉन्ट्स ऑफ वन और मोर पर्सन। इट कैन ऑल्सो बी पुट टू सेवरल यूजेस, है ना। एखादी वस्तु कितने भी नंबर ऑफ यूजेस हम कर सकते हैं। पानी का घर को देने के लिए भी यूज़ होता है, पीने के लिए भी होता है, नहाने के लिए भी होता है, किचन में कोई सब्जी वब्जी बनाने के लिए भी होता है, स्टोर भी करने के लिए यूज़ होता है, गांव में भी अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ होता है, ठंडक पहुंचाने के लिए भी यूज़ होता है। यानी यूटिलिटी मल्टीपर्पज़ है। और अपने एग्जाम्पल में क्या दिया है, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज फॉर सर्व मेनी पर्पजेस एंड फॉर मेनी पीपल एट सम पॉइंट्स ऑफ टाइम। बिजली का उपयोग इतना है, इतना है, कितना है। अब देखो, ट्रेन में भी इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रेन चलती है। इंडस्ट्री में भी कोई भी मशीन चलाना है तो क्या लगती है, इलेक्ट्रिसिटी। इवन पागलों को शॉक ट्रीटमेंट भी देते हैं तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी लगती है, हॉस्पिटल में इलेक्ट्रिसिटी लगती है ना। मैं भी अभी जो अपनी क्लास ले रहा हूँ ऑनलाइन, तो अभी भी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ऑन है, या हमको कंटिन्यू चार्जिंग करते रहना पड़ता है, डिवाइस को एनर्जी देना पड़ता है। तो हमारे मोबाइल, लैपटॉप, बाकी सॉफ्टवेयर, एक आधा कैम होगा, एक आधा कुछ, ये सारे डिवाइसेस, इक्विपमेंट्स इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, है ना। तो हम किचन में भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, घर में भी यूज़ करते हैं, ऑफिस में भी करते हैं, प्रोफेशन चलाते वक्त भी इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते हैं। एवरीवेयर इलेक्ट्रिसिटी इज यूज। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी क्या है, मल्टीपर्पज़ है। मल्टीपर्पज़ मतलब उसके बहुत उद्देश्य से, जैसे कोयले के भी बहुत उद्देश्य है, पानी के भी बहुत ऑब्जेक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी के भी बहुत उद्देश्य है। तो इस तरीके से ये सब मल्टीपर्पज़ है। बाद में है, यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वॉन्ट, है ना। इंटेंसिटी ऑफ वॉन्ट्स मतलब क्या है, इच्छाओं की तीव्रता क्या है, है ना। नाइन नंबर देखो, इच्छाओं की तीव्रता क्या है, इंटेंसिटी उसको बोलते। देखो पढ़ो उसको, यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वॉन्ट्स। मोर इंटेंसिव वॉन्ट्स, इंटेंसिव वॉन्ट्स, ग्रेटर विल बी द यूटिलिटी। इच्छाओं की तीव्रता बहुत ज़्यादा तो उसकी यूटिलिटी ज़्यादा। एज एंड वेन द अर्जेंसी ऑफ वॉन्ट डिक्लाइंस, यूटिलिटी डिमिनिशेस। जैसे देखो, एक आधे बार बहुत ही उसका इंटेंसिटी है, तीव्रता बहुत ज़्यादा है, जैसे लीकर की आदत है क्या, देखो तो उसको इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा, इतनी ज़्यादा है कि वो नहीं लीकर मिली। अभी लॉकडाउन में तो कितने दुकानें फोड़ी, आप न्यूज़पेपर पढ़े होंगे, तो नागपुर की दुकान फोड़ी, चोरी किया, लोगों ने डबल प्राइस दिया, ट्रिपल प्राइस दिया, मारपीट किया, और कहीं कहीं तो लंबी लाइन एक एक दो दो किलोमीटर तक चली। क्यों? क्योंकि उसको इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, तीव्रता बहुत ज़्यादा थी उसकी। लेकिन उसी समय एक आधा ऐसा भी व्यक्ति होगा कि जो लीकर कंज्यूम भी करता होगा, लेकिन सिर्फ पार्टी में, एंजॉयमेंट्स के लिए या कैजुअली, तो उसको इंटेंसिटी नहीं है, वो हंस रहा था उस सिचुएशन पे। वो बोले मैं आराम से एक आधे बार लूँगा, देखूँगा, और छः महीने नहीं मिली तो भी मुझे कुछ नहीं होता। तो आप देखो, इंटेंसिटी इज़ डिफरेंट। कोई मार मरने पे भी उसको चल रहा है, कोई धूप में चार चार घंटे खड़ा रह रहा है, और कोई नहीं भी रहता है, उसको इंटेंसिटी बोलते हैं। आप देखो ना, मोबाइल की भी इंटेंसिटी, कुछ कुछ लोग तो मोबाइल के बगैर रह नहीं सकते। सवेरे उठने के बाद बाकी इधर उधर नहीं देखेंगे, कौन सा मैसेज आया, कितने लाइक्स आए, बहुत ही पागल जैसा करेगा वो। पर कुछ कुछ लोग तो मोबाइल दिन पे भी नहीं देखते, किसने कॉल किया, क्या किया, एक खादे बार याद आई तो देखते कि किसी का मैसेज आया होगा, कौन लाइक कर रहा है, कौन डिसलाइक कर रहा है, ये इन चीज़ों से दूर रहते। यानी सेम मोबाइल हैविंग द डिफरेंट इंटेंसिटी। फॉर एग्जाम्पल, हंग्री पर्सन्स फाइंड्स मोर यूटिलिटी इन अ फूड देन अ पर्सन हु इज़ नॉट हंग्री। बहुत भूख लगी है, बहुत लोग भूख लगी है, तो फूड में बहुत यूटिलिटी है, अनाज में बहुत यूटिलिटी है। कम टेस्टी भी बना एक आधे बार खाना तो बहुत मज़ा आता है उसमें। लेकिन एक आधे बार भरपेट खाना खा के आया है, पूरा पेट भरा हुआ है, और सामने एक आधे बार टेस्टी भी खाना रखा होगा या पड़ा है, तो हम उसको नज़रअंदाज करते हैं,
इंटेंसिटी अलग अलग है ना। एक आदमी को बहुत भूख लगती है यंग एज में है तो उसके लिए फूड का महत्व बहुत है, तो दूसरा थोड़ा बुढ़ापे के कारण उसको खाने की इच्छा थी हो रही है, भले उसके पास टिफिन अच्छा पड़ा है और जो जिंदगी भर खाता था वही अच्छे क्वालिटी का है उसको मिल रहा है, साथ में लेके भी आया है, बाजू में पड़ा भी है, फिर भी बोलता जाते तू खाना खा ले मैं देख लूँगा बाद में, अपना काम कंटिन्यू करता है वो। तो वो डिपेंड करता है अपने इंटेंसिटी पे, अंदर से हम कितना प्रेरित होते हैं उस चीज़ को इम्पोर्टेंस है। 10 नंबर है यूटिलिटी जो है, मुझे ये लास्ट टॉपिक है अपना 10 नंबर, मतलब यूटिलिटी क्या है, हाँ बेसिस ऑफ डिमांड है। बेसिस ऑफ डिमांड मतलब किसी भी डिमांड को करने के लिए यूटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सन विल डिमांड अ कमोडिटी इफ इट गिव्स यूटिलिटी टू हिम। हम कुछ भी चीज़ डिमांड करते क्या? नहीं। हम कौन सी चीज़ों को डिमांड करते हैं? हाँ जिसमें उसकी यूटिलिटी है। मैं कॉमर्स की अच्छी किताबें डिमांड करूंगा पर मुझे साइंस की किताबें 20% कंसेशन पे भी दो, मैं नहीं खरीदूंगा, मुझे कुछ करना भी नहीं और मुझे समझती भी नहीं है ना। एक दिन एक व्यक्ति बोला कि हमारे पास बायो केमिस्ट्री फिजिक्स की किताबें हैं, हम 20% डिस्काउंट ऑफर करते, मैंने नहीं लिए, लेकिन कॉमर्स की किताबें नॉर्मल प्राइस भी दे रहा है वो, तो भी हम लेंगे। एग्जाम्पल देखो, सिक पर्सन हैज़ यूटिलिटी इन मेडिसिन, हेंस ही डिमांड्स मेडिसिन। बीमार व्यक्ति है तो मेडिसिन की डिमांड करेगा, लेकिन एक आधा बीमार नहीं है तो उसको उसका इम्पोर्टेंस ही नहीं है। एक आधा पैसा व्यक्ति है तो पानी खरीद भी लेगा, एक आधे बार ऐसे जगह है वो कि कोई उसको आजू बाजू में पानी नहीं मिल रहा तो वो बॉटल खरीदेगा 20 रुपये की, 10 रुपये की, 15 रुपये की, या पाउच मिलते हैं रुपये 2 रुपये के तो वो खरीदेगा वो, तो उसको पानी की यूटिलिटी है, पैसे दे के ले रहा है। और कभी कभी कैसा है कि पैसे ही नहीं उसको तो वो खरीदेगा नहीं वो पैसे, या किसी को मांगेगा भी नहीं। यानी यूटिलिटी जो है वो डिमांड का बेसिस है, किसी भी चीज़ को डिमांड करते हैं तो उसके पीछे किसका हाथ रहता है? यूटिलिटी का। मोर द यूटिलिटी मोर द डिमांड, नो यूटिलिटी नो डिमांड। सैनिटाइजर मास्क बहुत यूटिलिटी वाले हैं कोरोना के ड्यूरेशन में, तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। पीपीटी किट उसकी डिमांड बढ़ेगी, यूटिलिटी है क्योंकि उसमें, क्योंकि वो उस बीमारी से लड़ने के लिए अपने को बहुत यूज़ होता है, इसलिए उसके दाम भी ज़्यादा रहे तो भी चलता है पर उसमें यूटिलिटी रहेगी। लेकिन आप दूसरा विचार करो, जिस चीज़ में यूटिलिटी ही नहीं है ना, जिस चीज़ों में यूटिलिटी नहीं है तो उस चीज़ का उसमें इम्पोर्टेंस ही नहीं है। अब तुम्हारे सबके गुड विशेष है, मुझे अच्छी कामना से, मुझे शुगर नहीं है, शुगर की बीमारी नहीं है, तो मुझे शुगर की दवाइयाँ ट्रीटमेंट सस्ते में भी मिल रही होंगी या फोकट में भी मिल रही होंगी तो मैं जाके लूँगा क्या? नहीं यार, ये तो बहुत लाखों रुपए की ट्रीटमेंट मिल रही थी फुकट में इसलिए मैंने ले लिया, मुझे बाईपास की ज़रूरत नहीं है तो फुकट में ट्रीटमेंट हो रही है इसलिए मैं करूँगा क्या? एक योजना रहती है वो संजय गांधी निराधार, उसमें कभी कभी फुकट में कुछ ऑपरेशन सर्जरीज मिल जाती है करके, इसलिए सब लोग बीमारी नहीं है इसलिए कर लेते क्या? यार मिल रहा तो ले लो ना, क्योंकि यूटिलिटी नहीं है तो उसकी डिमांड कहाँ से बनेगी? जिस चीज़ का आपको उपयोग है उसी से डिमांड करते हैं, है ना। अननेसेसरी यूटिलिटी नहीं है, अभी भी मार्केट में जाते फालतू भीड़ करके रख देते, क्या सब चीज़ डिमांड कर देंगे? एक खरी चीज़ लेने जाते होंगे, है ना। तो यूटिलिटी किस चीज़ों की है वही लोगों ने सोचना चाहिए और तो ही डिमांड करना चाहिए, नहीं तो कुछ कुछ चीज़ों की यूटिलिटी नहीं है और लेके रख रहे हैं क्यों? तो कभी भी लॉकडाउन बढ़ सकता, कभी भी लॉकडाउन स्ट्रिक्ट हो सकता, कल गाड़ी रास्ते पे आएंगी कि नहीं, ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस लोगों के दिमाग में आते हैं, इसीलिए वो डिमांड बढ़ा देते अपनी, ऐसा हो सकता है। तो ये 10 भी हो गए उसके फीचर्स, आप एक बार देख लो, रिवाइज करके बता देता हूँ मैं। सबसे पहले क्या हो गया था अपना? यूटिलिटी था, यूटिलिटी के इंट्रोडक्शंस था। यूटिलिटी के इंट्रोडक्शंस में हमने क्या देखा था?
यूटिलिटी इज द वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। बाद में उसके 10 फीचर्स देखे, 10 भी फीचर्स पढ़ लेना, पर उसमें से थोड़े से भी फीचर्स याद रखे तो भी चलता है। पहला क्या था? रिलेटिव कंसेप्ट। रिलेटिव मतलब टाइम प्लेस के हिसाब से बदलने वाली कंसेप्ट। दूसरा है सब्जेक्टिव कंसेप्ट। सब्जेक्टिव कंसेप्ट मतलब क्या है? साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल मतलब पर्सन टू पर्सन बदलने वाला। उसमें मैंने क्लासिकल म्यूज़िक, पॉप म्यूज़िक, एक आधा सूफी संगीत रहता है, एक आधा गज़ल रहता है, वो किसी को बहुत पसंद आता है तो कोई कोई उसको बहुत डिसलाइक करता है, बोलते क्या बोरिंग लगा के रखा है, बदल दो बोलते। तो ये सब्जेक्टिव कंसेप्ट है यूटिलिटी। बाद में यूटिलिटी न्यूट्रल होती है। यूटिलिटी अच्छी या बुरी चीज़ नहीं बताता। देखो, दूध पीना कि दारू पीना, ये हमें यूटिलिटी में नहीं सिखाया जाता। वो अपने अपने हिसाब से रहता है। कोई ड्रंकार्ड है तो दारू पीने चले जाएगा, किसी को शक्तिमान बनना है तो दूध पीने चले जाएगा। यूटिलिटी यूज़फुलनेस से डिफरेंट है। यूज़फुलनेस से मतलब एक आधे बार बहुत ही बड़ा ड्रंकार्ड है वो, तो दारू में उसकी यूटिलिटी है लेकिन दारू में उसको यूज़फुलनेस नहीं है, उससे उसको फ्यूचर में नुकसान ही होने वाला है। यूटिलिटी प्लेजर से डिफरेंट है। इसमें मैंने इंजेक्शन का एग्जांपल दिया कि यूटिलिटी है इंजेक्शन में, लेकिन उसको बहुत मज़ा आता क्या? और इंजेक्शन दो, और इंजेक्शन दो। पढ़ाई में बहुत यूटिलिटी है। तुम्हारी शादी भी पढ़ाई के कारण ही होगी, तो अनपढ़ रहोगे तो शादी भी नहीं होगी, तो यूटिलिटी है उसमें। लेकिन बहुत मज़ा आता क्या कि सर और एक घंटा पढ़ाओ, और एक घंटा पढ़ाओ, 5 घंटे के लेक्चर बनाओ, तो नहीं होता। एक लिमिटेड ही ठीक है वो। यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन से डिफरेंट है। सेटिस्फेक्शन से डिफरेंट है मतलब समाधान होता है, नहीं होता है कभी कभी। यूटिलिटी है जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ पर वो गाड़ी में स्टार्टिंग ट्रबल है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, पछतावा हो रहा है कि फालतू गाड़ी लिया मैंने करके। मोबाइल है पर वो हैंग हो रहा है बार बार, मज़ा नहीं आ रहा। यूटिलिटी हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल है मतलब कैनॉट कैच इन नंबर। अपन उसको नंबर में कैच नहीं कर सकते कि मुझे मैंगो खाने के बाद 10 सेटिस्फेक्शन मिला, दशहरी खाने के बाद 12 मिला, कहता हापूस मैंगो खाने के बाद 8 सेटिस्फेक्शन मिला, ऐसा अपन नंबर्स में नहीं बोल सकते। हाँ, पॉजिटिव 0 और नेगेटिव कमेंट्स कर सकते हैं। यूटिलिटी मल्टीपर्पज़ है। एक चीज़ का बहुत यूज़ हो सकता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के बहुत यूज़ है, पानी के बहुत यूज़ है, बहुत सारे यूज़ हो सकते हैं। यूटिलिटी इंटेंसिटी पे डिपेंड है। इंटेंसिटी मतलब उसकी तीव्रता, कितनी तीव्रता है, पढ़ाई करने की कितनी इच्छा तुम्हारे में, उस पर ये सब कुछ डिपेंड करता है। कोई लाइट ले रहूँगा तो उसकी तीव्रता कम है, उसके लिए सबकी डिमांड नहीं है, पर कोई बहुत सीरियसली कर रहा होगा तो उसके लिए उसके सबकी डिमांड है। तो इंटेंसिटी पे डिपेंड है। इंटेंसिटी कम तो यूटिलिटी कम। और यूटिलिटी डिमांड का बेसिस है। डिमांड का बेसिस है मतलब मार्केट में कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो वो यूटिलिटी रही तो ही खरीदते हैं, है ना? यूटिलिटी रही तो ही खरीदते हैं। अगर उसकी यूटिलिटी नहीं है तो खरीदेगा क्या वो, है ना? अब मुझे साइंस की किताबों की यूटिलिटी कुछ भी नहीं है तो मुझे किसी ने 10% ऑफर भी किया डिस्काउंट, तो भी आई विल नॉट परचेस। तो देखो बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आपने देखा कि 10 कंसेप्ट को समझना है, यूटिलिटी को समझना बहुत ही ईजी है। मैंने भी ट्राई किया कि आपको ईजी से ईजी लैंग्वेज में होमली एग्जाम्पल दे के ये दिया है। और आप बार बार बोल रहे होंगे कि इसमें दारू के 4 बार एग्जाम्पल दिया आपने, ये अच्छा लगता है क्या, है ना? एक जनरल क्वेश्चन दिमाग में आया होगा क्योंकि स्कूल में कॉलेज में। तो इकोनॉमिक्स में एक बात ख्याल में रखना है कि इसमें गुड और बैड का रेफरेंस नहीं लिया जाता, कि अच्छी है कि बुरी है वो नहीं, बस इकोनॉमिक्स। आप देखो ना, अभी लॉकडाउन पीरियड में आपने देखा, एक चीज़ ऑब्जर्व किया, हर लोगों ने ब्रेकिंग न्यूज़ दिया, दारू की दुकान खुल रहे हैं, बंद हो रहे, चालू हो रहे, इधर हो रहे, उधर नहीं हो रहे, हर न्यूज़पेपर में आया। क्यों पता है? क्योंकि उस पर इकोनॉमी डिपेंड है, करोड़ों रुपए रेवेन्यू आता, पर फिर भी वो चीज़ अच्छी है क्या, समर्थन कर सकते हैं उसको? नहीं। मतलब इकोनॉमिक्स न्यूट्रल है, ये मुझे बात बताना है कि इकोनॉमिक्स में हम अच्छी चीज़ें है कि बुरी चीज़ें हैं वो नहीं देखेंगे। हम इकोनॉमिक्स में डिमांड, इंटेंसिटी, यूटिलिटी, इस हिसाब से एनालिसिस करेंगे। इकोनॉमिक्स डज नॉट टीच यू कि आप एक आधा देवदास बनो कि शक्तिमान बनो, ये चीज़ अच्छी है कि बुरी है, ये इकोनॉमिक्स में नहीं बताया जाता। तो इकोनॉमिक्स क्या है? न्यूट्रल है।
इकोनॉमिक्स सिर्फ ज्ञान देता है, देख रहे भाई दारू से तेरे लीवर खराब हो जाएंगे, दूध से तू शक्तिमान बनेगा, और तेरा तू डिसाइड कर। जैसे मुझे कोई पूछने आया सर 12th के बाद क्या लूँ, तो मैं उसको क्या बता दूंगा, देखो ये कोर्स है, ये 5 कोर्सेस है, फिर क्या बता दूंगा, तू तेरा देख यार फिर इस 5 में से क्या करना है कर। तो वैसे ही इकोनॉमिक्स है कि देख यार इससे ये रास्ता खुलता है, उससे वो रास्ता खुलता है, देखो क्या करना है वो कर। ओके ठीक है, अभी आपको भी अनकम्फर्टेबल होता होगा, ये लेक्चर कैसा लगा बताना फ़ोन करके, सब लोग बताते हैं कुछ कम ज़्यादा हो गया तो वो भी बता देना, क्योंकि अपन कैसा है कि समझने के हिसाब से कर रहे हैं, तो इसमें कोई आपका सुझाव होगा तो वो करो। आपके दोस्तों को भी ये लेक्चर शेयर कर सकते हैं आप, सब्सक्राइब करने को बोलो, लाइक करने को बोलो, शेयर करने को बोलो। ओके हैव अ गुड डे।